क्या? हाँ क्या? हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। अभी वीकेंड आया तो घर पे नहीं रह सकते। यू नो आई एम काइंड ऑफ अ ट्रैवलर सोल। वीकेंड चालू तो सफ़र शुरू। अब मैं तो जा रहा हूँ फैमिली के साथ। तो एक चीज़ पे 100% बिलीव करता हूँ और वो है हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ। फाइनली बीवी के साथ डिस्कस करने के बाद वी डिसाइडेड ऑन विजिटिंग देवनहल्ली फोर्ट। मुझे तो भाई लोकेशन एकदम सही लगा। 1 घंटे का ड्राइव है मेरे घर से एंड शॉर्ट ट्रिप के लिए तो जगह मस्त है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द जर्नी फॉर अ वीकेंड ड्राइव। मल्ला बेरे गौड़ा जो अवधी के थे, उन्होंने 1501 में एक मड फोर्ट बनाया देवनहल्ली में, जिसको देवनादोड्डी कहा जाता है। उनके जो नेक्स्ट जनरेशन्स थे, ये फोर्ट वो लोग कंट्रोल कर रहे थे, पर अगले 3 सेंचुरी तक इसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। एंड 18 सेंचुरी में जनाब हैदर अली को लगा कि अब इसको रिनोवेशन करते हैं। तब तो इतना इन्फ्लेशन नहीं था दोस्तों। आज के डेट में होता तो वो हाथ जोड़ के बोलते भाई साहब माफ़ करो मुझे। वेल जोक्स अपार्ट, हैदर अली ने पूरा फोर्ट स्टोन से रिकन्स्ट्रक्ट किया एंड दिस इज़ व्हाट वी सी टुडे। नाउ हैदर अली के बाद ये फोर्ट का कंट्रोल गया टीपू सुल्तान के हाथ में और 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस टुक ओवर द फोर्ट एट द टाइम ऑफ एंग्लो-मैसूर वॉर। ये सब आर्किटेक्चरल डिटेल सही में इतना डिटेल्ड है कि आज के टाइम में इसे करने के लिए डिफरेंट लेवल का टैलेंट चाहिए, जो मेरे में या आप में नहीं है। यू नो व्हाट, मुझे ये ओल्ड फोर्ट्स, हिस्टोरिकल पैलेसेस बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। इंडिया का हिस्ट्री इतना रिच है कि जितना देखो उतना कम। ये फोर्ट टोटल 20 एकड़ पे है एंड द यूनिक फीचर इज़ द 12 सेमी सर्कुलर बैस्टियंस। ये पता है सुमन, ये इधर है पूरा, है ना, गिर चुका है नीचे। दूसरा सा जगह था ये। नहीं सब उधर सिपाही उपाही रहता होगा इधर ना, बैठ के छुप के क्या कह दिया है ना। ये व्यू भी मस्त है। क्या? हाँ क्या? अरे टीपू सुल्तान का बर्थ प्लेस ढूंढना है। हाँ इसको खिला के ठीक है इनको। वाइफ और बच्चे देखने गए हैं जैन टेम्पल। यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलो नहीं है तो हमको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ यहाँ पे आके आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी दर्शन तो विजिट तो कर चुके हैं। वाइफ बच्चे गए हैं अंदर देखने के लिए। अच्छी जगह है, बहुत पुरानी जगह है। किसी ने कहा 25 भी चल रहा है यहाँ पे। जो बगल में है पता नहीं, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो टेंपल है जैन टेंपल बहुत ही खूबसूरत है। एक ये कंस्ट्रक्शन कोविड के बाद रुक सा गया है, उसके पहले चल रहा था तो कुछ खास मेंटेन नहीं किया गया है। बाकी स्ट्रिक्ट है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए तो लोग हर जगह पे है जो मना कर रहे हैं। लेकिन अब इतना दूर आए तो ऑब्वियसली देखना तो पड़ेगा, बनता है एक बार देखना। यहाँ पे जो राइट साइड में दिख रहा है आपको इस तरफ यहाँ पे डाइनिंग हॉल है। शायद यहाँ पे फ्री लंच या फ्री डिनर देते होंगे, हो सकता है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बंदा मिला था वो भी लंच के लिए चला गया, तो कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन मिला नहीं मुझे।